नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल मरुआ गाछी गिरी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में आया हूँ। मुजफ्फरपुर जिले का एकमात्र जो संग्रहालय है, जो रामचंद्र शाही संग्रहालय, वहाँ पे आ गया हूँ, जो मुजफ्फरपुर जिले में है। यहाँ के मुजफ्फरपुर जिले वासियों को बहुत कम लोगों को ही पता है कि मुजफ्फरपुर जिले में एक संग्रहालय भी है। इसका लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये जुवा सैनी पार्क जो है, जुवा सैनी पार्क के जस्ट बगल में ऑडिटोरियम है, उसी के जस्ट बगल में है यह रामचंद्र शाही संग्रहालय, कला एवं संस्कृति युवा विभाग। तो इसके बारे में जानते हैं, यहाँ क्या देखने को मिलेगी, यहाँ क्या है वो सभी जानते हैं। यहाँ से एंट्री लेते ही दोस्तों आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा और लॉर्ड जोसेफ की और यहाँ पे महात्मा गांधी जी को दिखाया गया है। और इससे जस्ट अंदर जो हम लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ सूचना दिया गया है, आप मेरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हो क्या सूचना, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और यहाँ जैसे कि नीचे दिया गया संग्रहालय का समय प्रातः 10:30 बजे से संध्या 4 बजे तक है, और साप्ताहिक अवकाश मतलब साप्ताहिक अवकाश जो है वह सोमवार को रहता है। तो अंदर चलिए और अंदर अगर कोई आदमी मिलेंगे तो उससे बातें भी करेंगे। इसके अंदर आते ही दोस्तों इधर देखिए सहसा सुनीता जो मकबरा है इनको यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हो। और इधर जो नालंदा विश्वविद्यालय जो विध्वंस हुआ था उनका जो अवशेष मिला हुआ है उनको इसमें दिखाया गया है। और इधर आते ही दोस्तों आपको विश्व शांति स्तूप जो वैशाली में है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों अगर यहाँ का भी वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं बना दूंगा। और इधर जो है वैशाली स्थित कोसुआ का प्राचीन विध्वंस जो अवशेष बचा हुआ है वो चीज है आप ही सर। तो इससे यहाँ की जो है आम कर्मचारी, यहाँ के जो म्यूजियम के कर्मचारी है ये है इनसे जानते हैं। ये ओपन कब हुआ था आपने इसमें क्या है उनको बुलाइए तो इनसे जानते हैं। हाँ तब तक हम इधर जहानाबाद के है यहाँ पे। और ये जो है क्या है इस म्यूजियम के बारे में सभी चीज दिया गया है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। आप जो संग्रहालय है क्या यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है वो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। पॉज पॉज करने के बाद हमें कैमरा का अलाउ मिला है, जैसे इधर दोस्तों आप देख सकते हैं अष्टदिन पला। वीडियो को पॉज करके दोस्तों देखते जाइए, वैसे बताता जाऊँ तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो विभिन्न प्रकार के बैच, ब्रिटिश काल के जो बैच होता था, जो वहाँ के जो सेना के प्रमुख का जो बैच होता था वो है यहाँ पे, जो ब्रिटिश काल की है वो यहाँ पे रखा गया है। हाथी दांत से निर्मित शतरंज की गोटिया, या जो गोटिया जो देख रहे हैं शतरंज की गोटिया जो है वो हाथी दांत से निर्मित है, यह गोटिया हाथी दांत से निर्मित है। और इधर जो देख रहे हैं दोस्तों ये वस्तु जो है यह मुगलकालीन वस्तु है, यह मुगलकालीन वस्तु है। यह टेबल कैसेट कैलेंडर है, पहले जो कैलेंडर होता था टेबल कैलेंडर ये इस तरीका से होता था। और इधर जो हुक्का कुरकुरी जो तंबाकू रख करके जो हुक्का पिया जाता था अभी भी गांव घर में पिया जाता है, पहले ऐसे होता था आप देख सकते हो। इधर आते ही दोस्तों ये है मुस्लिम कालीन सिक्के, 13वीं और 15वीं सती ईस्वी में जो सिक्का जो चलता था इंडिया में मुस्लिम कालीन में वह है यहाँ पे आप देख सकते हो। इधर भी है, कैमरा मैन से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर भी है, इधर भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप अपने बच्चों को लेकर के जुवा सैनी पार्क आते हैं, लेकिन इसके जस्ट बगल में ये जो है ऐतिहासिक रूप से भरा हुआ ये म्यूजियम है, यहाँ नहीं आते हैं। और यहाँ की जो एंट्री फी है वह फ्री है, यहाँ फ्री एंट्री है सर, फ्री है
फ्री एंट्री फी है फिर भी नहीं लाते हैं, यहाँ तो आते ही आप युवा शनि पार्क, तो यहाँ भी लाइए, बच्चे यहाँ के खास से अवगत होंगे तभी तो देश के बारे में कुछ जान पाएंगे। और इधर देख सकते हो सुमन में यहाँ जो है मिला गया है कटरागढ़ मुजफ्फरपुर, अपने मुजफ्फरपुर जिले में जो मिला हुआ है जो खनन में वो यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हो दोस्तों। यह है खरौना डी से प्राप्त वस्तुएं, खुदाई में जो मिला हुआ है वो है। और इधर दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ स्वतंत्र भारत के सिक्के। अच्छा, भारत जो आजाद हुआ था तो कैसा कैसा सिक्का जो था वो है यहाँ पे कैमरामैन से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों। ये जो आप माँ सरस्वती का जो प्रतिमा देख रहे हैं इसमें कहीं भी मिट्टी का प्रयोग नहीं है, सूत्री से यह प्रतिमा बना गया। बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, कभी तो आइए मुजफ्फरपुर में। तो ये जो है बहुत सारे दोस्तों देखने को मिलेगा, इधर तलवार है वगैरह है, मुगल कालीन में जो अस्त्रों का प्रयोग हुआ था वो सब इस म्यूजियम में रखा गया है दोस्तों, देख सकते हो। मुगल कालीन ताला कैसा था, यहाँ पे ताला आप देख सकते हो, पहले के जमाने ताला कैसा हुआ करता था। और ये जो है ग्रामोफोन 20वीं सदी ईस्वी पूर्व है या ग्रामोफोन, आप देख सकते हो बहुत पुरानी चीज यहाँ पे संरक्षण करके रखा गया है। और इधर देखा जाए तो इधर यानी क्या है, शब्द का आशा है यानी ज्ञान का मंदिर, संग्रहालय वह स्थल है जहाँ प्राकृतिक तत्वों एवं मानव सक्रिया का संग्रह रहता है जी। ये बोलिए बिहार संग्रहालय उद्घाटन 7 अगस्त 2015। अच्छा संग्रह बिहार संग्रहालय बेली रोड पटना बिहार, इतनी एक खोज और अनुभव करें। अच्छा अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो बिहार म्यूजियम है मेरे चैनल पर दोस्तों, वीडियो कुछ दिन में आने वाली है, पटना में जो बिहार म्यूजियम है वहां जा करके कुछ विस्तार रूप से देख सकते हैं। और अगर आप मुजफ्फरपुर में आते हैं दोस्तों तो ये सभी चीज का अनुभव ले सकते हो। मेरा इतना दोस्तों इधर देखिए पंखा हो गया, मिट्टी तेल चकिया पंखा, ये जो पंखा दोस्तों आप देख रहे हैं वो मिट्टी तेल से चलने वाली है, मिट्टी तेल नीचे रखिए और आग लगने के बाद जो है यह पंखा चलेगा। क्या बोले सर, एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें पीपल का पत्ता, बौद्ध वृक्ष का जो पीपल का पत्ता है वो है, और इसमें भगवान बुद्ध की जो परछाई है वो दिखाई देती है इस पीपल की पत्ता में। तो बहुत ही अच्छी चीज जानकारी दी है ये जो गार्ड साहब है यहाँ का, इन्होंने जानकारी दी है बहुत ही अच्छी चीज। मैं तो वीडियो का एंड कर रहा था लेकिन इन्होंने जानकारी दी है। सर आपका नाम क्या हो गया? अच्छा ये कब खुली रहती है, इसका टाइमिंग क्या है? सप्ताह में कौन दिन बंद रहता है? सोमवार को बंद रहता है। सोमवार को बंद रहता है। यहाँ पे आदमी पहुँचता है देखने के लिए? आता है। ज्यादा संख्या में नहीं आता होगा? कोरोना लेकर अभी थोड़ा। अच्छा 20-35-40 ऐसे आता है, ऐसे 20-35-40 एक टाइम का जो 400-500 ये रामचंद्र साहिब जी जो उनका प्रतिमा है ये वहाँ पे फोटो लगाया गया है देख सकते हो, और आई के थे ये मुजफ्फरपुर और आई के थे। तो दोस्तों अगर आप मुजफ्फरपुर में आते हैं पार्क आते हैं घूमने या बजार खुला है तो बजार घूमने आते हैं अपने बच्चे के साथ, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के दोस्तों इस म्यूजियम में आइए, अपने बच्चों को एक अच्छी सीख दीजिए ताकि वह यहाँ से कुछ ऐतिहासिक धरोहर का नॉलेज लेकर के जा सके, क्योंकि इतिहास ही है जो अपने लोग को इतिहास को सिखाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले। मैं रोहित कुमार कैमरा मैन शिवम कुमार के साथ गुवाहाटी गिरी, वंदे मातरम, जय हिंद।